भैया पहली पेमेंट आ चुकी है, कितनी आई है और कैसे आई और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा सब आपके साथ करेंगे शेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली पेमेंट आ चुकी है और आप सोच रहे होंगे कि पहली पेमेंट क्या 100 और 50 के नोट हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और साथ में आपको बताता जाऊं कि ये सफ़र मैंने 2 साल पहले शुरू किया था और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम इस मुकाम तक पहुंचेंगे। ये सब आपकी दुआएं और मोहब्बत का नतीजा और मेरे पेरेंट्स की दुआएं। और खैर ये सफ़र जब मैंने शुरू किया तो ये सोचकर शुरू किया था कि यार वो स्टूडेंट्स जो कि कोचिंग्स अफोर्ड नहीं कर सकते हम उनकी हेल्प करेंगे। और कोविड की वजह से आपको सिचुएशन तो मालूम है और हम लोगों ने सफ़र शुरू किया। खैर मुझे एक और आइडिया भी नहीं था कि हम मोनेटाइजेशन होगी फिर पेमेंट आएगी। देन हुआ क्या, अल्टीमेटली जब मेरी पहली पेमेंट आई यानी $100 कंप्लीट हुए, मैं आपको बताऊंगा कि पेमेंट आई कितनी। खैर जब मेरी पेमेंट कंप्लीट हुई, $100 की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुई, तो यूट्यूब एडसेंस वालों ने मेरी पेमेंट बैंक अकाउंट में सेंड कर दी। अब मेरे साथ हो गया सीन। क्या हुआ, बैंक वालों ने मेरी पेमेंट कर दी होल्ड। आपके भाई के साथ सीन ये हुआ कि बैंक वालों की आई कॉल और कहने लगे आप अपनी आईडी का प्रूफ शो करें। तो अब मैं टीचर, मैं अपने स्टूडेंट को तो वहाँ लेके नहीं जा सकता और ये नहीं कह सकता कि भाई मैं टीचिंग करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ। तो आपके भाई ने किया बैंक वालों को इग्नोर, और इग्नोर करने का नतीजा ये हुआ कि बैंक वालों ने कर दी पेमेंट को रिवर्स। अब मज़े की बात यह है कि जब जो पेमेंट टोटल बनी थी उसमें से $5 तो एडसेंस वालों ने काट लिए थे और $20 बैंक वाले काट चुके थे। रिवर्स होने के बाद वो $20 भी रिवर्स नहीं हुए, अब वो $20 डिडक्ट हो चुके हैं। खैर जब मैंने देखा कि एडसेंस में पेमेंट आ चुकी है वापसी, फिर मैंने फ्रीलांसिंग का अकाउंट खुलवाया निज़ान बैंक में, मालूम है कि $20 फिर कट गए। अब सीन हो गया मेरे साथ $40 का, यानी $40 मेरे सिर्फ आने और जाने में कट चुके हैं। अब $5 तो एडसेंस वाले काट चुके थे, तो टोटल कितने कटे, $45। इन $45 के बाद मेरे पास पेमेंट जो बची ना वो बची $95 की। अब आप यहाँ से सोच सकते हैं कि $95 कितने के हो सकते हैं। जिस दिन मेरे पास पेमेंट आई तो $176 का डॉलर था, तो 176 मल्टीप्लाई बाय 95, और आप मैथ में तो हैं चीते, तो हिसाब तो आपने कर लिया होगा। और धूप हो चुकी है बहुत ज़्यादा, तो हमें करनी होगी लोकेशन फिर से चेंज। 2 साल की मेहनत का नतीजा ये हुआ कि मुझे $95 मिल गए। खैर इसका 2 टाइम्स मैं पर मंथ कमा लेता हूँ, पैसा तो आने और जाने वाली चीज़ है, लेकिन खुशी इस बात की है कि मेरे इस काम की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का NDE, KU और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो गया। इवन जब मुझे स्टूडेंट्स मिलते हैं तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, एक पॉजिटिव काम कर रहा हूँ, और उस पॉजिटिविटी की वजह से बहुत सारे लोग अपने फ्यूचर गोल्स को अचीव कर रहे हैं। इस काम में मुझे बहुत सारे लोगों की सपोर्ट थी, लाइक मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, टीचर्स, लेकिन सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मेरे क्लास फेलोज़ ने किया, और उन क्लास फेलोज़ में भी चंद लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। खैर इंशाल्लाह एक नया और भी कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। कोशिश करूँगा कि आप इंग्लिश के कंटेंट को और मेडिकल के कंटेंट को भी यहाँ पर अपलोड किया जाए, और इंशाल्लाह ताला अब आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी आ रहा है, तो बस वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के लिए सरप्राइज़ आने वाला है। बाकी जो भी कैलकुलेशन आपने की है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको साथ में बता दूँ YouTube की पॉलिसी ये है कि आप अपनी पेमेंट यानी सोर्स ऑफ इनकम जितनी भी टोटल बन रही है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो आप शेयर ना करें, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ किया है, तो इसका मतलब हम और आप बहुत करीब हैं, यानी आप मेरे फैमिली की तरह ही हैं, तो मैंने आपके साथ तमाम चीज़ें शेयर की हैं। तो इसीलिए वीडियो को आप कर दें लाइक, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी कितनी पेमेंट बनी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, और अल्लाह ताला मुझे इसी तरह काम करने की तौफीक अदा फरमाएं, और मैं इसी तरह आप लोगों के लिए और आपके बाद नए आने वाले बच्चों के लिए कंटेंट इसी तरह अपलोड करता रहूं, उनके लिए जो है वो मेहनत करने का जज्बा मेरा इसी तरह से कायम रहे। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।